योगग्राम में जितने भी स्वास्थ्य साधक आते हैं उनको प्रतिदिन षटकर्म की क्रियाओं का अभ्यास करवाते हैं और जिनको आवश्यक है उनको पंचकर्म भी करवाते हैं, विविध प्रकार की प्राकृतिक चिकित्सा देते हैं, प्रकृति के साथ उनको जोड़ते हैं, आहार विचार व्यवहार संस्कार की शुद्धि करते हैं, शरीर और अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा संपूर्ण आरोग्य यहाँ पर आने वाले रोगी और स्वास्थ्य साधक प्राप्त करते हैं। योग शास्त्र में धोतिर बस्तिस तथा नेतिस त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भाति शैतानी षटकर्माणि प्रचक्षति, ये छह कर्मों का विधान किया है शुद्धि के लिए। धोती अर्थात वस्त्र निगलते हैं और उससे ऊपर की सफाई करते हैं फुफ्फुस तंत्र की, पानी पीते हैं और उससे शंख प्रक्षालन करते हैं तो पूरा पेट साफ हो जाता है। धोती ये कायकल्प जैसी क्रिया। बस्ती मूल बंध लगाते हैं पानी में बैठ करके, एनस को ढीला छोड़ करके, तो पेट में पानी भर जाता है और बाद में उसको निकाल देते हैं। ये सब नहीं कर पाते इसलिए यहाँ एनिमा दिया जाता है नेचुरोपैथी में। और धोती बस्तिस तथा नेतिस, नेति अभी जल नेति सूत्र नेति आपको बताएंगे। त्राटक सूर्य का दीपक का कोई एक बिंदु विशेष पर त्राटक, और नोली श्वास को बाहर छोड़ के दाएं तरफ पेट को किया तो दक्षिण नोली, बाईं तरफ किया तो वाम नोली, और गोल घुमाया तो ये पूरी नोली क्रिया हो जाती है। धोतिर बस्तिस तथा नेतिस त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भाति शैतानी षटकर्माणि प्रचक्षते, षटकर्म कहे जाते हैं, हम जननीति के बाद भी करेंगे, फिर पंचकर्म और विविध प्रकार की प्राकृतिक चिकित्साएं, सौ से अधिक यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्साओं की व्यवस्था है। आज हम आपका ये पानी पीकर के जो गुंजर क्रिया करते हैं ये जल धोती हो गई, फिर ऐसे वस्त्र धोती भी होती है और शंख प्रक्षालन भी धोती की क्रिया का ही एक रूप है। तो आज आपको अभी हम ये वमन करना, इसको आयुर्वेद में कहा जाता है, योग में जिसको कुंजल क्रिया, बाद में विकृत होकर के कुंजल क्रिया जिसको कहते हैं, ये कफ के लिए और जिनको एसिडिटी बढ़ जाती है पित्त के लिए बहुत ही उपयोगी है, जिनको उच्च रक्तचाप होता है हृदय रोग होता है उनको नहीं कराते हैं, और एपिलेप्सी के दौरे जिनको पड़ते हैं उनको कुंजर क्रिया भी नहीं कराते हैं, और जननीति सूत्र नीति भी उनको नहीं कराते हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा कि उनको अटैक पड़ जाता है, इसलिए इतनी सावधानी इसमें रखी जाती है। और स्वस्थ आदमी को भी सप्ताह या 15 दिन में एक बार अवश्य कर लेनी चाहिए, इससे पूरे श्वसन तंत्र का, फेफड़ों का और आमाशय का, पित्ताशय का, पूरा पेट का शोधन हो जाता है ऊपर वाले हिस्से, फिर संघ प्रसारण करते हैं तो आंतों की शुद्धि हो जाती है, अलग अलग क्रियाओं से अलग अलग प्रकार की शुद्धि होती है। तो शुद्धिकरण की क्रियाएं यहाँ रोज कराते हैं, घर पर आप सप्ताह में एक दिन या 15 दिन में एक दिन, नहीं तो महीने में एक दिन ये कुंजर क्रिया, जिनको कफ साइनस की बहुत प्रॉब्लम है, जिनको आँखों की समस्याएँ हैं उनके लिए, नजरा जिनको बहुत पुराना है, जल नीति और सूत्र नीति रोज करनी चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को 7 दिन में 15 दिन में महीने में एक बार अवश्य कर लेनी चाहिए। जल नीति सूत्र नीति के बाद हम आपको तेल नीति भी बताएंगे, तो आइए आपको सिखाते हैं। गुनगुना पानी लेते हैं और गुनगुने पानी को पी करके, जिनको कफ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो सौंफ का पानी पी सकते हैं, थोड़ा सेंधा नमक इसमें डाल सकते हैं, वैसे हम ये प्लेन वाटर पी रहे हैं, इसको इतना पी लेते हैं जितने से कि पेट पूरा भर जाए और वमन करने की, उल्टी करने की इच्छा हो। जल्दी जल्दी पानी पीते हैं क्योंकि धीरे धीरे पानी पीने से पानी डाइजेस्ट हो जाता है, जितना स्लाइव और लार मिलेगी पानी में उतना पानी डाइजेस्ट होगा।
पूरा जग खाली हो गया है। जिसकी जितनी कैपेसिटी हो उतना पीजिए, माने उतना पीजिए पीते पीते उल्टी जैसे होने लगे, इतना पीना है। वोल्टेज ऐसे होने लग रही है। ऐसे प्रारंभ में सामान्य पानी निकलेगा, थोड़ी देर के बाद जिनको कफ बढ़ा हुआ है, जिनको पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त से सिर में दर्द हो जाता है और कफ से पूरा एक गरार बन जाता है, सामान्य रूप से किसी किसी को तो स्वाभाविक रूप से इतनी उल्टी होने लगती है। उल्टी पूरी नहीं हो तो फिर गले में हाथ डाल करके और फिर उल्टी करते हैं तो आँखों में थोड़ा आंसू भी आएगा, पूरा जो है शुद्धिकरण होता है। और ख़ास करके जिनको बलगम होता है उनको बहुत बलगम निकलता है, जिनको पित्त होता है तो उनको पीला पीला पानी निकलता है। तो इसको ऐसे ये बीच की दो उंगलियाँ ऐसे गले में डाल देते हैं, थोड़ा पेट को दबाते हैं अथवा जो है जितना ऐसे थोड़ा सा झुक करके करेंगे तो गले में इरिटेशन होगा, तभी उंगली डालते हैं तो उससे उल्टी हो गई। ऐसे दो तीन बार में आपको ये पूरी उल्टी हो, थोड़ा पानी रुकेगा फिर अंदर से उसमें पित्त घुलेगा, कफ आदि घुलेगा और बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे दो तीन बार में
पूरा शुद्धिकरण हो जाता है। और इसके बाद फिर जल नेति, और जल नेति के बाद आपको तेल नेति, फिर सूत्र नेति की क्रिया बताते हैं, जिससे कि आप अपने दोषों का पूर्ण निराकरण कर सकें प्राकृतिक तरीके से। कुंजर क्रिया के बाद अर्थात वमन के बाद आपको जल नेति, फिर तैल नेति और सूत्र नेति आप बताएंगे। आप घर में कर सकते हैं, ये लोटा आपको मिलता है, बहुत सी संस्थाएं बनाती हैं, हमने पतंजलि की ओर से भी बनाया हुआ है क्योंकि बहुतों को ज़रूरत पड़ती है इसकी। ये फूड ग्रेड क्वालिटी का प्लास्टिक है, तांबे के लोटे से भी करते हैं, उसको साफ करके रखना होता है। ऐसे लोटा आपने भर लिया, पहले दिन तो आप 50-100 ग्राम पानी ही निकाल पाएंगे, बाद में तो आप पूरा लोटा भर के निकाल देंगे। इसको एक नाक में लगा दो, एक नाक में लगा करके फिर नाक से श्वास नहीं लेते, नाक से श्वास लेंगे तो यह माथे में पानी चढ़ जाता है, फिर उससे सिर दर्द होता है, काफ़ी देर तक कष्ट होता है। वैसे ये माइग्रेन पेन के लिए, डिप्रेशन के लिए, सिर दर्द के लिए, कफ नज़ला के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन गलत तरीके से किया जाए तो कफ नज़ले की दिक्कत भी हो जाती है। अर्थात यदि नाक से खींचेंगे आप, ऐसे ऐसे नहीं खींचना, तेल आपको डालेंगे उसको खींच सकते हैं आप। जो है हमारे गुरुजी तो हाथ में से सरसों का तेल डाल के उसको ऐसे खींच लेते हैं, तो वो तैल नेति जिनको भयंकर कफ नज़ला है, नाक बंद है, उनके लिए भी बहुत अच्छी है, वो बाद में बताएंगे। अभी इसको ऐसे फिर मुंह से श्वास लेते रहेंगे, नाक से ऐसे लगाएंगे और थोड़ा गर्दन को टेढ़ा कर देंगे। इसको खड़ा होकर के भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं, खड़ा होकर करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, नाक में ऐसे लगाए, फिर धीरे धीरे पानी ऐसे भरेंगे और ऐसे गर्दन को टेढ़ा रखेंगे, तो एक तरफ से नाक से पानी गया तो दूसरी तरफ से आप निकल जाएगा, और मुँह खुला रखेंगे। ऐसे ही बाएं नाक में डाल दिए और ऐसे डाल करके और थोड़ा गर्दन को ऐसे तिरछा कर ले, अब आपको नाक से श्वास ले लेना। इसके बाद थोड़ी देर कपाल भाति कर, मुंह से श्वास लिया, नाक से छोड़ा, ऐसे माथा ठोक के भी कर दे इसे। थोड़ा कनपटी के भी हाथ मार दे,
जल कहीं माथे में ठहर गया हो तो वो बाहर निकल जाए, इसलिए थोड़ी कपाल भांति करते हैं जननेत्र के बाद। नेपकिन से आप आँखों को नासिका को क्लीन कर लो। पूरा क्लीन हो गया। तैरे नेति और सूत्र नेति सूत्र से की जाती है, वैसे आजकल हम कैथेटर से करने लगे हैं, ये ज़्यादा सुविधाजनक है। तो इस सूत्र नेति करने से पहले तेल नेति करना, ये बादाम का तेल है, वैसे आप सबको भी पतंजलि का बादाम रोगन मिलता है, वो 100% शुद्ध बादाम का तेल होता है, मीठा तेल होता है, इसको बालों में लगा सकते हैं, इसको एक चम्मच रात को दूध में पी लें तो मेमोरी के लिए बहुत ही अच्छा है। जिनको बहुत ज़्यादा बौद्धिक काम करने पड़ते हैं उनको तो रोज़ एक चम्मच लेना चाहिए, मैं भी लेता हूँ, पहले तो नहीं लेता था, गुरुकुल में पढ़ते समय थोड़ा थोड़ा लिया करता था, फिर बीच में छोड़ दिया था, फिर मैंने शुरू किया क्योंकि मस्तिष्क से बहुत अधिक काम लेना पड़ता है, तो ये बहुत अच्छा है। एक चम्मच रात को दूध के साथ ले, दूध में मिला के पीने, पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है, और ये मस्तिष्क के लिए नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। एक चम्मच रोज दूध के साथ पीजिए, फिर इसको ऐसे नाक में डालना, और इसको नाक में डाल के जैसे आप सड़बिंदी तेल डालते हैं या सरसों तेल आदि डालते हैं, वो तो नाक में डाल के मुँह में लेके फिर उसको बाहर थूक देते हैं, इसको तो अंदर ही निकल दीजिए, जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ, ऐसे कंफर्ट जगह लेट जाए जिससे कि गर्दन थोड़ी पीछे झुक जाए तो आसानी से अंदर चला जाता है, ऐसे सीधे प्लेन उस पर भी लेट करके, ऐसे लेट करके भी इसको अंदर डालते हैं तो अंदर चला जाता है, लेकिन थोड़ा ही पीछे ऐसे और झुक जाए तो और अंदर आसानी से चला जाता है। तो ऐसे नाक में इसको लगाए, कोई ड्रॉपर से भी डाल सकते हैं, ये तो हमने केशकांति तेल में प्रयोग कर रहे थे सीसी का, जब केशकांति खाली हो गया तो हमने इसमें बादाम रोगन भर लिया, क्योंकि इससे प्रयोग करना बड़ा आसान है। स्वादिष्ट ही लगता है, घी जैसा स्वाद है इसका, थोड़ा आँख में भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सरसों तेल आँख में जाएगा तो थोड़ा जलन करेगा। हम गाय का घी, बादाम का तेल तो मैं सिर दर्द के लिए, माइग्रेन पेन के लिए भी बोलता हूँ। तो इस तरह से आप ये बादाम रोगन अंदर डाल, अंदर चला गया पूरा, आरोग्य के लिए अच्छा है। मुझे कोई कफ आदि तो है नहीं, जिनको कफ आदि है वो मुंह में लेकर के बाहर निकाल दे, तो आरोग्य के लिए बहुत ही अच्छी है ये तैल नेति। इससे नाक बहुत अच्छे रहते हैं, कभी सर्दी जुकाम आपको होगा ही, इससे आँखों की समस्या नहीं होगी। ऊर्ध्व जत्रु रोग बोलते हैं, मानी गले के ऊपर के जितने भी रोग हैं, सिरो रोग हैं, जितने भी माइग्रेन में डिप्रेशन और तमाम तरह की जो बीमारियाँ, उन सब के लिए, और नासिका रोग हैं, आँखों के रोग हैं, गले कफ के रोग हैं, उन सब के लिए अच्छा है। तेल डालने के बाद जो हमारे नासा क्षेत्र हैं थोड़े चिकने हो जाते हैं, उसमें फिर इसको अंदर डालेंगे तो आपको ज़्यादा इरिटेशन नहीं होगा। इसमें भी आप बादाम तेल आदि लगा सकते हैं, अब इसको ऐसे अंदर डालेंगे तो शुरू में तो डालते ही छींक जैसी आती है, बाद में छींकें आएंगी, आँख से आंसू आएंगे, मुंह से भी थोड़ा सा लार टपकेगी, टपकने दे, लेकिन इसके करने से पहले या तो रात को या करने से पहले या दोनों बार आप थोड़ा नाक में तेल डाल लेंगे
जिनको कफ आदि है उनको तो षडबिंदु तेल या सरसों का तेल, जो पतंजलि कच्ची घानी का सरसों तेल है, वो बहुत अच्छी औषधि है। मैंने बहुतों पर प्रयोग किया है उसका, और हमारे गुरु जी रोज प्रयोग करते हैं इसको, ऐसे नाक में डाल। दाएं नाक से डाला, फिर इसको धो ले, बाने में अच्छे से ऐसे वास कर ले। और फिर बाएं नाक से डाल। मैं कई वर्षों के बाद कर रहा हूँ तो थोड़ा आंखों में आंसू आदि आ रहा है, ऐसे डाल। शुरू में तो छींक आती है बहुत लोगों को बाहर, बैठ के भी डाल सकते, खड़े होके भी डाल सकते। पहले दिन आपसे अधिक ना भी हो पाए तो आप जोर जबरदस्ती नहीं करना। ये कुंजल क्रिया जल नीति तैल नीति सूत्र नीति शुद्धि के लिए बहुत ही अच्छी है। जिनको व्याधि विशेष है वो रोज कर सकते हैं, जिनको व्याधि विशेष नहीं है वो 7 दिन 15 दिन महीने भर में एक बार अवश्य कर लिया करें। योग आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा सच में हमारी एक स्वस्थ वैज्ञानिक सार्वभौमिक और पंथ निरपेक्ष जीवन पंथ है। इसे अपनाइए, योगराम और आरोग्यम में आइए। ये स्वस्थ जीवन के सूत्र आपको देंगे, इनका ठीक से आपको अभ्यास कराएंगे, इनका पूरा प्रशिक्षण देंगे और आप एक सच्चे साधक तो बनेंगे, एक स्वास्थ्य साधक तो बनेंगे, योगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे, अपने लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और भगवान के लिए उपयोगी बनेंगे।